बंद करो, बंद करो। तथा कथित शराब मामले में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसके अगले ही दिन ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और उनकी जमानत पर स्टे ले लिया। इस मामले में हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का फैसला करती, उससे पहले ही सीबीआई ने उनको तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आज सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जिसे नाराज आम आदमी पार्टी सड़क पर आ गई है और अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रही है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हाल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ता सड़कों पर लेटकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, वहीं सुरक्षा बल उन्हें सड़कों से हटाने का प्रयास कर रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में भी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। उन्हें आम आदमी पार्टी के लोगों वाली टोपी लगाए और हाथ में पोस्टर लिए देखा जा सकता है। उन्होंने विरोध में नारेबाजी भी की। जम्मू में आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को रिहा करो समेत तरह तरह के स्लोगन वाले पोस्टर लेकर अपना विरोध जाहिर किया और नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं का उग्र रूप देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल से हटाया। चेन्नई में भी आप कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर और नारेबाजी कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पूरा देश देख रहा है अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में, इसी एक्साइज के मामले में ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी। किस तरीके से बिना ऑर्डर आए हाई कोर्ट ने जल्दबाजी के अंदर स्टे किया और कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिल जाए, रातों रात सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी के तिहाड़ में पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है और अगले ही दिन कोर्ट जाके उनको सीबीआई के मामले के अंदर गिरफ्तार करती है। इससे एक बात साफ है, जिस तरीके की जल्दबाजी और कोऑर्डिनेशन ईडी और सीबीआई में दिख रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस चीज पे काम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं जेल से ना निकल जाए। और ये मिसयूज जो है ये सबको आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े लोग इसके बारे में कह रहे हैं। तो आज हम पूरे देश में इस चीज की आवाज उठाएंगे और जनता को बताएंगे किस तरीके से देश में तानाशाही चल रही है। आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके।